नमस्कार, बड़ी खबर निकल कर आ रही है साथियों। आपको बता दें कि अभी अभी की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री को बदलने की मांग। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है साथियों। आप सभी को पता है कि जिस प्रकार मणिपुर में 52 दिनों से जारी हिंसा को लेकर आज दिल्ली ऑल पार्टी मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में 3 घंटे चली है। मीटिंग के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी ने मणिपुर को लेकर 8 मांगें रखी। पार्टी ने मांग की कि पीएम इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़े और राज्य के सीएम को तुरंत बदला जाए। कांग्रेस नेता जसराम जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि मीटिंग में पार्टी की ओर से शामिल हुए मणिपुर के पूर्व सीएम ओकराम इबोवे सिंह ने अपनी बात रखने के लिए सिर्फ 7 मिनट दिए। उन्होंने 5 मिनट का समय और मांगा, लेकिन इसकी परमिशन नहीं मिली। ओकराम इबोवे 15 साल तक राज्य के सीएम रहे। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मीटिंग को औपचारिकता बताया। ये मांग रखी कि दोनों नेशनल हाईवे को खुला रखा जाए और लोगों को जरूरी चीज़ें उपलब्ध कराई जाए। साथ ही प्रभावित लोगों के लिए राहत, पुनर्वास, रोजगार का नया पैकेज घोषित किया जाए। जयराम रमेश ने कहा कि जब तक बीरेंद्र सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक राज्य में शांति नहीं होगी, उनसे इस्तीफा लेना चाहिए।